और अब आगे बढ़ते हुए आपके काम की बात करेंगे। आईफोन से एंड्रॉयड में चैट अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके पास आईफोन है और आईफोन से आप अपने एंड्रॉयड फोन में चैट को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो कई बार ये परेशानी का सबब बन जाता है। हम जल्दी से आपको बता देते हैं कि कैसे आप ये कर सकते हैं, क्या है आसान तरीका चैट बैकअप एक से दूसरे फोन में ट्रांसफर करने के लिए। काफी परेशानी आपको होती रही है, सबसे ज्यादा परेशानी व्हाट्सएप चैट को आईफोन से एंड्रॉयड में ट्रांसफर करने की होती है। अब तो व्हाट्सएप चैट को ट्रांसफर अगर आप करना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान हो गया है, लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं वो इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो आज की रिपोर्ट में हम आपको आईफोन से एंड्रॉयड में चैट को ट्रांसफर करने के कुछ तरीके, आसान तरीके बताने वाले हैं। किसी भी फोन से किसी दूसरे फोन में चैट को ट्रांसफर करने से पहले जरूरी होता है कि चैट का आप बैकअप ले लें। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि आईफोन में व्हाट्सएप चैट का बैकअप iCloud पर और एंड्रॉयड का जो चैट है वो गूगल ड्राइव पर बैकअप के लिए होता है। आज हम जो तरीका आपको बताएंगे उसकी मदद से आप सभी चैट तो नहीं लेकिन कुछ ज़रूरी चैट जो आप रखना चाहते हैं, संजोना चाहते हैं, उनका बैकअप ले सकते हैं और ये जानकारी आपको आसान तरीके से समझाएंगे। आईफोन से एंड्रॉयड में चैट ट्रांसफ़र आप किस तरीके से कर सकते हैं। आईफोन में व्हाट्सएप आप ओपन कीजिए, उस चैट को ओपन करें जिसे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी कि दूसरे फोन में भेजना चाहते हैं। आप प्रोफाइल नेम पर आप क्लिक करें और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें। अब नीचे की ओर आपको एक्सपोर्ट चैट विकल्प मिलेगा और उसी पर आपको जाना है, यानी कि एक्सपोर्ट एक फोन से दूसरे फोन में आपको चैट करनी है। एक्सपोर्ट चैट पर आप क्लिक करें। आप शेयर मेन्यू से मेल का विकल्प चुनें, ईमेल एड्रेस डालें जिस पर आपको आपके चैट का बैकअप लेना है। चैट का बैकअप लेने के बाद फिर आप उसे सेंड कर दें। अब अपने उस मेल को एंड्रॉयड फ़ोन में ओपन करें, मेल को डाउनलोड करें और चैट देखें। तो रहा ना ये बेहद आसान तरीका। अगर अब तक आप चैट बैकअप नहीं कर पाते थे, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र नहीं कर पाते थे, तो आप ये जानकारी सेव कर लीजिए और अब चैट आसानी से ट्रांसफ़र कीजिए।